शासन विकास की बात करती है, लेकिन आज यहाँ कोपाबेड़ा वार्ड को लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं नगर पालिका क्षेत्र में आते, और आज भी इस 1 किलोमीटर दायरे के रोड पर बिजली की खंभा नहीं है, और यहाँ पर आने जाने वाले सभी महिला पुरुष बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोपाबेड़ा क्या नगर पालिका हमारा जी? नगर पालिका में कब से आता है? 15 साल से। तो यहाँ जो आपके पीछे जो रोड है जी, यहाँ लाइट खंभा नहीं है, और क्या 15 साल से ऐसी है जी? तो आप लोग रात में कैसे आना जाना करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, और कमा भी नहीं है, एकदम सांप भी छू भी आते हैं तो खाते हैं, और ऐसी लड़की लोगों का भी छेड़खानी होता है। तो आप लोग कभी शासन के पास गए थे जी? तो शासन क्या बोलता है? बना दूंगा बोलता है, और नहीं बनाते। सरकार को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, क्या है नहर के ऊपर में एक खंभा लगाया गया था, फिर टूट फूट हो गया, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अब क्या करें, परेशान तो हो रहा है यहाँ पर, एक्सीडेंट हुआ है बीच में। मैं पैदल सिस्टम आदमी हूँ, आज 30 साल से इस रास्ते में पैदल चल रहा हूँ मैं, लेकिन कोपाबेड़ा से कुंडा गाँव जाने के लिए दिन को थोड़ा सहूलियत होता है, लेकिन रात को इस रास्ते पर यहाँ पर अंधेरा होने के कारण मेरे को बड़ा दिक्कत होता है। मेरे को ही नहीं, सुनाई आया है कि बहुत लोग भी बताते हैं कि उनको दिक्कत आता है, इसलिए मैं शासन से मांग करूँगा कि यहाँ पर कोपाबेड़ा और नहर पारा शिव मंदिर, ये दोनों के बीच में 2-4 बिजली की खंभा गाड़ दिया जाए, और यहाँ पर उजेला हो जाए तो सभी के लिए सहूलियत होगा, और मेरे लिए भी, मेरे जो परेशानी है वो भी दूर हो जाए। देखिए, इसके लिए कोपाबेड़ा की बात नहीं है, जो भी हमारे नगर, हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विद्युत विहीन क्षेत्र हैं, उसके लिए शासन को हमने प्रस्ताव बना के भेजा है, और उसके लिए हमने राशि की मांग करी है। जैसे ही राशि आएगा, हम विद्युत विभाग को उस राशि को ट्रांसफर करने के पश्चात वहाँ विद्युत व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। संबंधित अधिकारी है नगर पालिका CMO मिथिलेश अवस्थी, जिनका मोबाइल नंबर है 94060-19314। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।